चलो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 तुमको क्या कह रहा है बाबू? कह रहा है कि निम्नलिखित घनों में प्रत्येक को प्रसारित हो। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट हम देखो। फर्स्ट तुमको क्या कह रहा है? 3/2 x है और +1 है इसका होल क्यूब। ठीक है, तुमको साफ साफ नजर आ रहे हैं किसके पर आधारित है? ए प्लस बी के दी होल क्यूब पर आधारित। ए प्लस बी का दी होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब हो जाता है, प्लस 3a² भी होता है, प्लस 3b² a, और प्लस जो पहले है उसको हम a मान लेते हैं, जो बाद में है उसको हम b मान लेते हैं। ठीक है, यही चेंजिंग करते हैं, बाकी हम सॉल्व कर देते हैं। फॉर्मूला क्या है? तो ए हमारा है ना 3/2x है, तो 3/2x प्लस 3a² b ना, a हमारा कितना है? 3/2x है इसका स्क्वायर। b हमारा कितना है? 1 प्लस 3b² 3। b कितना है? 1 है ना, तो 1 के स्क्वायर। a कितना है हमारा? 3/2 प्लस b का क्यूब, तो b हमारा कितना है? 1 है, तो 1 सॉल्व कर लो। तो 3 को पावर 3 क्या हो जाएगा? 3 3 9 27, x के पावर 3 x को, और 2 के पावर 8 3 हो गया। 3 के स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 2 के स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, x का x² प्लस 3 × 1 के स्क्वायर 1 ही ना, 3 3 क्या हो जाएगा? 3 × 3/2 × 1 प्लस 1 आगे सॉल्व कर ले, तो 27/8 27/4 x² 3 3 9/2 x प्लस 1 ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, इसी तरह से सबका करना है। ठीक है बाबू, चलो एक और हम तुमको बता देता हूँ, कौन बता देता हूँ इसे देख लो। जैसे पहले किया तो इसी तरह से इसको ही कर लो, एकदम तो आसान है। चलो थर्ड हम तुमको बता देते, थर्ड है a-b के होल क्यूब पर ना, a-b के होल क्यूब कर लो, 1/3x - 2/3y के होल। ये क्या हो गया? a-b के होल, a-b के होल क्यूब में थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है? 1³ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा तुमको? माइनस 3a² b हो जाएगा, और प्लस 3b² a। ठीक है, और माइनस ये फॉर्मूला चेंज होगा, इसी सेकंड क्वेश्चन में भी यही फॉर्मूला अप्लाई करेगा जो यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, प्रोसेस यही कर लेते हैं, इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं। ए के जगह पर 1/3x है, 1/3x के देखो माइनस 3a² b ना, तो 3 a के जगह पर हमारा क्या है? 1/3x के देखो स्क्वायर। बी के जगह पर हमारा कितना है? 2/3 प्लस 3b² है 3। बी के जगह पर क्या है? 2/3 ना, सॉरी वाई है, वाई के स्क्वायर। और ए के जगह पर क्या है? 1/3x ना, माइनस बी क्यूब माइनस डालते हैं, बी के जगह पर क्या है? 2/3y ना, कर लो क्वेश्चन। ए का तो 1 हो जाएगा, एक्स क्यूब, 3 के पावर 3 क्या हो जाएगा? 27 - 3 × 1 हो गया। x² क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, और सॉरी 2/3y पहले सब थी ना है इसमें, तो 2/3 और इंटू आगे बढ़ जाता 3 × 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, y का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 इंटू 1/3 यहाँ पर कर दो, माइनस 2 के पावर 3 क्या हो जाएगा? 8, 3 के पावर 3 क्या हो जाएगा? 27, बाई नहीं है। और थोड़ा सा कर लेते हैं आगे, चलो 1 × x³ तो वही x³ ना हो जाएगा, तो x³/27 और माइनस कर लेते हैं, तो 3 से 3 कैंसिल आउट ना हो गया, जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बच गया है हमसे? x² है, बाई ना, इसको हम लिख सकते हैं 2x² y, और नीचे क्या है? 9 ना है, बटा प्लस गुना कर दो, 3 से 3 इसमें भी कैंसिल ना, तो 4 हो गया, x y² ना, बटा 9, अरे तो -8/27। ठीक है, इसको आंसर चेक कर लेना बाबू तुम सब। ठीक है ना, हो सकता है कहीं क्वेश्चन में ये हो सकता है, कहीं कैलकुलेशन में गलती भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, इसलिए वीडियो में देख रहे हो तो उस क्वेश्चन जो है उसका आंसर जरूर से जरूर चेक करना। ठीक है, और यदि नहीं मिलता है तो फिर से तुम पूछ सकते हो कि हाँ इस क्वेश्चन का जो है आंसर नहीं। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर
अब इसमें हम इसको सॉल्व करते हैं, 4 को 1 सॉल्व कर देते हैं, चलो कर देते हैं 4 5 दोनों को सॉल्व, 4 पर आ जाओ। 4 क्या है बाबू, 2x y है और -3 है ये देखो, तो ये -b के डिफॉल्ट क्यूब फॉर्मूला तुम जान गए हो बाबू, ये -b के डिफॉल्ट क्यूब क्या होता है, 1 क्यूब -3a² b +3b² a माइनस, छोड़ दो ए के जगह पर ए है ना, बी के जगह पर ए, तो ए क्यू ना, तो 2x y के होल क्यू -3a² b ना, ए के जगह पर 2x y² और बी ना, बी के जगह पर 3 प्लस, फिर क्या हो जाएगा 3b² a ना, तो +3 बी के जगह पर क्या हो जाएगा 3 ना, 3k² ए के जगह पर 2x y -bk³ 3k आगे बढ़, 2k³ 8 x³ y³ -3, 2k² क्या हो जाएगा 4, x² y² y² × 3 आगे बढ़, 3k² 9 × 2xy माइनस 3k³ क्या हो जाएगा 27 आगे बढ़, 8x³ y³ गुना करते हैं, 3 4 12 12 36 ना, 36 x² y² ये 9 3 27 दूनी 54 54 xy और -27 ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, चलो मैं यहीं पर क्वेश्चन नंबर 5 चेंज कर, क्वेश्चन नंबर 5 में तुमको क्या दे दिया है, -2x² है और +3y है के डिफॉल्ट क्यूब, ठीक है ये एक तरह से क्या हो गया बाबू, -a+b के डिफॉल्ट क्यूब ना, तो घबराना नहीं ठीक है, -a+b के डिफॉल्ट क्यूब है ना, तो घबराना नहीं, सिर्फ इसको क्या कर दो थोड़ा सा चेंज कर दो, क्या चेंज कर दो तो ध्यान से, y को इधर ले आओ x को इधर ले, चेंज हो गया, हो गया ए माइनस बी के डिफॉल्ट, कोई चेंज नहीं करना ठीक है, सिर्फ इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, अब ये माइनस बी के डिफॉल्ट ठीक है, ए के जगह पर 3y अब बी के जगह पर सॉल्व कर दो, क्या होता है ए माइनस बी के डिफॉल्ट ए क्यू -3a² b ना +3b² a माइनस, सॉल्व कर लो, ए के जगह पर 3y है ना, तो 3y k³ -3, ए के जगह पर क्या है 3y ना, तो 3y k² और b ना, b के जगह पर क्या है तुमको x² +3b, b के जगह पर क्या है तुमको सॉरी b के जगह पर 2x ना है, 2x² ना है, 2x² k² और a ना है, a के जगह पर क्या है तुमको 3y -bq ना, तो b के जगह पर क्या है तुमको 2x² ना है, तो 2x² सॉल्व कर, 3 3 9 3 27 बाई के 3 3k² 9 बाई के स्क्वायर बाई × 2x² +3 × 2k² क्या हो जाएगा 4, x² के स्क्वायर क्या हो जाएगा x⁴, पावर पर पावर रह जाता क्या हो जाता है, पावर पर पावर रह जाता क्या हो जाता है, दोनों दोनों दो से गुना करते हैं 4 × 3y ना, 2k³ 8 हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर के ना, एक्स स्क्वायर को 2 के पावर 3 ना बाबू, तो द्वितीय है देख गया एक्स के पावर, आगे इसको सॉल्व करना है तो कर सकते हैं, सॉल्व कर ये हो जाएगा 27y³, ये क्या हो गया 9 3 27 दूनी 54 54 x² y² यहाँ पर देखो 4 3 12 3 36 ना 36 x⁴ और y अरे तो हो गया -8x⁴ ठीक है, कुछ नहीं था एकदम आराम से समझ, ठीक है आंसर हो सकता है तुमको अलग अलग, जैसे आंसर में चेक कर लेना, हो सकता है कि ये वाला टर्म यहाँ पर हो ये वाला टर्म यहाँ पर, ठीक है उसे घबराना नहीं है, सारा कुछ मिला लेना सही रहेगा ठीक है, ऐसा बुक खोल कर मिला लेता हूँ, क्या है आंसर में तुमको 27 सॉरी -8x⁶ -8x⁶ हो गया,
36 एक्स के पावर 4 बाई, प्लस 36 एक्स के पावर 4 बाई हो गया। फिर है माइनस 54 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, ये हो गया, और प्लस 27 बाई। ठीक है, चिंता नहीं करना, एकदम रिलैक्स होकर के देखना। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लेते। तो क्वेश्चन नंबर 6 में तुमको क्या दे दिया है, 2/3 a प्लस 5/3 b यदि होल, ए प्लस बी के यदि होल क्यों, ए प्लस बी के यदि होल क्यों क्या होता है बाबू, एक के प्लस 3a² b प्लस 3b² a और प्लस, आगे बढ़ते सॉल्व कर लेते हैं। ए के जगह पर क्या है हमको, इसको हम ए मान लेते हैं और इसको हम बी मान लेते हैं। 2/3 a के होल क्यों प्लस 3a² b ना, तो 3 a के जगह पर 2/3 a² b के जगह पर 5/3 प्लस 3b² है 3, b के जगह पर क्या है 5/3 b ना, 5/3 b² और a के जगह पर क्या है 2/3 a। फिर बी क्यू, तो b के जगह पर क्या है 5/3 b ना, सॉल्व कर लो। 2 के पावर 3 करोगे तो क्या हो जाएगा 8, 3 के पावर 3 करोगे तो क्या हो जाएगा 27, 1 के पावर 3, आगे सॉल्व करना। 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9 इंटू 5/3 b, यहाँ पर ए भी है भले नजर, ये 3 हो गया 5 के स्क्वायर 25, 3 के स्क्वायर 9, बी के स्क्वायर हो गया 2/3, 5 के पावर 3 125, 3 के पावर 3 27, बी के, आगे सॉल्व कर लेते। ये तो वही वही लिखा जाएगा, क्या हो जाएगा 8/27 एक क्यूब, क्या हो जाएगा 3 से 3 खत्म ना, 5 का 20/9 ये भी यहाँ पर, 3 से 3 खत्म ना, 25 दूनी 50 बी स्क्वायर, यहाँ पर एक मिस्टेक हो रहा होगा, ए के स्क्वायर है ना बाबू, ये यहाँ पर ए स्क्वायर देख लो, ए के स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर भी हो जाएगा 50 50 50 बी स्क्वायर और बटा में क्या है 9 है 9 ए, तो है यह है 125/27 के पावर, आंसर मिला देते हैं क्या है 8/27 है क्यू प्लस 20/9 ए स्क्वायर बी, 125/27 बी क्यू, 125/27 बी क्यू, 50/9 ए बी स्क्वायर, 50/9 ए बी स्क्वायर। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम थोड़ा सा तोड़ देता हूँ खाली बाबू, सॉल्व तुमको अपने कर लेना है क्योंकि तुमने प्रसारित रूप में देख लिया। 102 को तुम क्या लिख सकते हो, 100 + 2 के होल, ये तुम्हारा ए हो गया, ये तुम्हारा बी हो गया, ए प्लस बी के होल के तुम जानते हो ना, उसी पर इसको बना लिया। 98 को क्या लिख दोगे, 100 - 2 के होल, ये तुम्हारा ए हो गया, ये तुम्हारा बी हो गया, इसको किस पर सॉल्व कर देना, ए माइनस बी के लिए होल क्यू। 999 की क्यू, तो 999 को क्या कर लोगे, 1000 - 1 होल, इसको भी तुमको ए माइनस बी के लिए होल क्यू पर सॉल्व कर लो, एकदम आसानी से हो जाएगा बाबू, ए हो गया तुम्हारा, ए बी हो गया, क्योंकि तुमको मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में सारे प्रसारित रूप दिखा दिया, ए माइनस बी के लिए होल क्यू पर कैसे करोगे, ए प्लस बी के लिए होल, चिंता नहीं करना, सिर्फ उसी पर काम कर लो, सब वो सिर्फ हम तोड़ देता हूँ और कुछ। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 पर है, 9 पूर्णांक 1/5 है ना, तो 9 पूर्णांक 1/5 को ऐसे लिखो, लो इसको हम सॉल्व कर, चलो तो 9 पूर्णांक 1/5 को तुम इस तरह से लिख सकते हो, 9 + 1/5, ठीक है, के होल, ये तुम्हारा ए हो गया, ये तुम्हारा बी हो गया, ए प्लस बी के होल क्यू ना, ए प्लस बी के होल क्या हो जाएगा, 1 क्यू + 3a² b प्लस बी स्क्वायर प्लस एक, सॉल्व कर लो, तो 9 3a² b ना, तो 3 a की जगह पर 9 के स्क्वायर, बी के जगह पर 1/3 b² बी के जगह पर 1/5 ना, 1/5 के स्क्वायर और ए के जगह पर 9 b³ 1/5 के, सॉल्व करो, 9 * 81 81 * 729 हो जाता 3, 9 * 81 ये तो नीचे 5 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3, नीचे 5 का 125 ना, इंटू
एक बटा 125, 729 प्लस क्या हो जाएगा, 81 त्याग करोगे तो क्या हो जाएगा, 243 बटा 5, ये क्या हो जाएगा, 927 बटा 25, ये हो गया 1/125। ये काम करते हैं, एलसीएम होने लगे, एलसीएम पूरा का 125 होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा मगर कोई घबराने का बात है, कर लो। ये क्या हो जाएगा, 729 गुना 125, 525 मरते हुए ना, 243 गुना 25, ये 25 से 5 मरते हुए ना, 27 गुना 5, 125 से तो 1। अब सबको गुना करके लिख देना पड़ेगा, आ जाओ गुना करके लिख देता हूँ। सर तुमको इसमें दे रहा है, बटा में देता है ना, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 का, सॉरी 7 का 4, 7 का 4, हाँ बटा में देता है। चलो तो हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं तसल्ली के लिए कि सही है या नहीं हमारा कैलकुलेशन, आ जाओ देख सकते हैं। तो 729 में गुना करना है 125, तो तुमको आ जाएगा 91, 125 प्लस 243 गुना 125, सॉरी खाली 25, दो सौ तैतालीस गुना खाली 25 क्या जाएगा तुमको, 60/75। ये 27/25 तो 135 होता है, ये बटा 125 जोड़ देते हैं, कितना है, 9,1,1,2,5 प्लस 6,0,7,5 प्लस 1,3,6, 9,7,3,3,6 बटा 1,2, ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन था इस चलते तुमको बता दें, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें 10.3 है ना, तो पांचवा को इसको क्या लिखा हुआ, 10 प्लस 0.3 के 9.8 है, तो इसको क्या लिखो, 10 माइनस 0.,। ठीक है, इसी तरह इसको सॉल्व कर लेते, कैलकुलेशन रहेगा और कुछ नहीं, ए प्लस बी के डिफॉल्व की, ए भी हो जाएगा, ए माइनस। चलो आगे बढ़ते हैं, कह रहा कि घनों को बिना प्रकलित कीजिए निकालना है। ठीक है भाई निकाल देते हैं, क्या कर रहा है, 8 के ऊपर देखो ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ABC कब होता है, जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाता है, 0। कौन से, तो देख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो रहा है कि नहीं, यदि हो रहा है तो यहीं पर हम डायरेक्ट कर ले, यहाँ पर कितना है, 3 है, और क्या है, -6 हो गया, ए प्लस 3 ये 0 हो गया ना, तो डायरेक्ट 3ABC कर दो, 3 गुना ए के जगह पर क्या है, 3 है, बी के जगह पर -6 है, सी के जगह पर 3 है, तो 3 की आई 9, 9 की आई 27, 27 छक्का 20 छक्का 120, 132 ना, तो -132 हो जाएगा। 8 के पहला, 8 के दूसरा पर आ जाते हैं, फिर से चेक करते हैं, यहीं पर देख लो 7, 5, 12 में से 12 गया, अच्छा एक क्यू होना चाहिए बाबू, ये स्क्वायर नहीं रहेगा, क्यू रहेगा, ये तय, ठीक है, तो फिर से ये 0 हो जाएगा ना, तो 0 हो जाएगा तो डायरेक्ट कर लेते हैं 3ABC, तो 3 गुना -12 गुना 7 गुना 5, ठीक है कैलकुलेशन करके लेते हैं, ठीक है, तो 12 36 36 25 180 18 70 36 शायद लगभग होता है, कर लो -13, इसमें भी वही आ जाएगा -15 और -13 0 हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, इसमें भी डायरेक्ट 3ABC कर दो, इसमें चेक कर लेते हैं, 1/2 -5/6 प्लस 1/2, एलसीएम 6 हो जाएगा, द्वितीय आई 6, ये तो -5, 3 2 9 6, देख लो 3 2 5 -5 0 ना, तो 0/6 0, ये भी डायरेक्ट 3ABC, तो 3 एक जगह पर 1/2, बी के जगह पर -5/2, सी के जगह पर 1/2, कर लो 3 से 3 खत्म ना, -5 सौदो नहीं हो गया सौ, इस तरह से इसको भी देख लो, ए भी 0 हो जाएगा, इसको देख लो ए भी 0 हो जाएगा, तो समय खाली डायरेक्ट 3ABC कर देना,
क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। ऊपर देख लो, ए क्यू प्लस बी क्यू देख लो। यदि ऐसे क्वेश्चन है तो ए क्यू प्लस बी क्यू बटा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, ए क्यू प्लस बी क्यू का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अरे बटा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। से ये डायरेक्ट खत्म ना, डायरेक्ट ए प्लस बी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देख लेना, 361 है ना, तो 361 को हम क्या मान लेते हैं? ये मान लेते हैं, और 139 को हम क्या मान लेते हैं? बी मान लेते हैं। देख लेते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू हो गया। फिर देखो ए ही है ना, ये को हम 361 के माने है ना, ए स्क्वायर माइनस ए बी हो गया, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया। डायरेक्ट काट कर क्या बचेगा तुमको? ए प्लस बी ना, ए के जगह पर क्या है तुमको 361, बी के जगह पर क्या है 139, जोड़ दो। तो जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? 9 1 10, 6 3 9 1 10, 3 1 4 9 4 1 5, 5 7 7। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देख लेते हैं। देख लो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख लो एक ही नंबर तीनों बार 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 रिपीट हो रहा है। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसमें, तो देख रहे हैं कि ये रिपीट हो रहा है, देख कर लेते हैं। तो एक क्यूब हो गया, और क्या हो जाएगा? सॉरी यहाँ पर देख लो 0.25 रिपीट हो रहा है ना, एक क्यू माइनस बी क्यू, और नीचे क्या है ए माइनस बी। तो जिस तरह से सब ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है बाबू? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा ए माइनस बी, ये कट जाएगा, क्या बचेगा तुमको? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली इसमें इसमें भी है, ए क्यू माइनस बी क्यू बटा ए माइनस बी ना, ए क्यू माइनस बी क्यू बटा ए माइनस बी। ए की जगह पर क्या है तुमको 0.75, और बी के जगह पर क्या है तुमको 0.25। सॉल्व करो तो 0.75 के स्क्वायर प्लस ए बी ना, ए है 0., चलो ए स्क्वायर प्लस ए बी यानी 0.75 गुना 0.25 हो गया, और क्या है प्लस बी स्क्वायर तो 0.25 के 0.25 के एक्स। तो कैलकुलेशन कर लेना बाबू, ठीक है, ये प्रोसेस हो गया, कैलकुलेशन करके निकाल लेना आंसर आ जाएगा। अब बढ़ कर देख लेते हैं इसी में ही थर्ड को। चलो थर्ड में क्या हो गया, तुम दो ही बार में रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ए स्क्वायर, अरे क्या हो रहा है माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या है ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे तो ए माइनस बी है ना, तो कट जाएगा, क्या बचेगा ए प्लस बी, इसमें ए प्लस बी कर दो तो 0.85 है ना, एक जगह पर अभी के जगह पर 0.15 जोड़ दो, एक आ जाएगा। फोर में आ जाओ, वो सेम चीज है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा, यहाँ पर नीचे ए प्लस बी है, ऊपर क्या बचेगा ए माइनस बी बचेगा, ठीक ना, ए माइनस बी बचेगा तो घटा लो 1.25 में से 0.75, 0.5 हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पर चलो, क्वेश्चन नंबर 5 पर क्या हो जाएगा था, रिपीट हो रहा 0.68 0.68 0.68 हो गया, यह एक क्यू 0.32 0.32 0.32 मान लेते हैं इसको भी, टेक क्यू माइनस बी क्यू ए सेम नंबर नीचे भी है, टेक क्यू प्लस बी क्यू गुना 100। सॉल्व कर सकते, टेक क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। चलो सॉल्व कर लो गुना 100, ए के जगह पर तुमको है 0.68 और बी के जगह पर है 0.2। सॉल्व कर,
यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी यानी 0.68 माइनस 0.32 ए स्क्वायर, तो 0.68 ए स्क्वायर प्लस ए बी, 0.68 गुना 0.32 प्लस बी स्क्वायर 0.32 के स्क्वायर, फिर से नीचे रिपीट पर मल्टीप्लाई 100 ए प्लस बी, तो 0.68 प्लस 0.32 ए स्क्वायर, 0.68 के स्क्वायर माइनस ए बी, 0.68 गुना 0.32 प्लस बी के स्क्वायर 0.32 के स्क्वायर। चलो कैलकुलेशन कर लेना, यही हो जाएगा।